नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत नवप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पवन काल लोक विश्रामा। आप सभी को गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चार दशक बाद सत्ताधारी दल को मिलेगा विधान परिषद में प्रचंड बहुमत। विधान परिषद चुनाव के लिए बतौर गोरखपुर नगर विधायक सीएम योगी ने मतदान करने के बाद कहा, विधान परिषद में विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी सपा। विधान परिषद की 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध से, 27 में से भी अधिकांश सीटों पर हासिल होगी जीत। विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत लोक कल्याण, महिलाओं, गरीबों, किसानों व श्रमिकों के हित में और बेहतर कार्य करने में सक्षम होगी सरकार। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव ड्यूटी में लगी पोलिंग पार्टियां मतदान करने के बाद बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में किया जमा। एआरओ ने कहा, स्थानीय प्राधिकरण का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, 98.9% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा, 9 सीटों के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं चुनाव। भारत सेवा श्रम संघ के वासंतिक नवरात्र पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी। कहा, हिंदू धर्म की सेवा पथ पर अग्रसर है भारत सेवा श्रम संघ। गोरखनाथ मंदिर से भारत सेवा श्रम का जुड़ाव है बहुत पुराना। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी सीपी चंद ने कहा, गोरखपुर सहित सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा। वहीं सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने भी किया दावा। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नीतियों से प्रभावित होकर सभी मतदाता सपा के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का किया दावा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के लिए बनाए गए बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। एसएसपी ने कहा, भ्रमणशील रहकर सभी बूथों का लिया गया है जायजा, शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। खेतों में स्टीपर मशीन से भूसा बनाने पर लगे प्रतिबंध को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तत्काल प्रभाव से हटाया। किसानों से किया अपील। कहा, खेतों में भूसा बनाते समय स्टीपर मशीन का प्रयोग करते हुए बरते सावधानी ताकि आग लगने से ना हो सके जान माल का नुकसान। गोरखनाथ मंदिर में वासंतिक नवरात्र के अष्टमी में मां महागौरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया आराधना, पूजा और हवन कर की लोक मंगल की कामना। रविवार को सुबह 11 बजे देवी स्वरूपा कन्याओं का पाव पखार कर करेंगे उनका पूजन और कराएंगे उन्हें भोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए नगर निगम बूथ पर किया मतदान। कहा, प्रदेश सरकार कर रही है अच्छा कार्य, प्रभावित होकर सभी मतदाता भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित नगर निगम की महिला पार्षदों ने निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, सभी मतदाता सीएम योगी के नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा। मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सभी मतदाता हैं प्रभावित, कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान। सदर सांसद रवि किशन व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश के सभी 27 सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा, 9 प्रत्याशी पहले ही चुने गए हैं निर्विरोध।
सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के पार्षदों ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए किया मतदान। कहा भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की सभी पांचों सीटें जीत रही है भाजपा। प्रदेश में 9 सीट पर पहले ही निर्विरोध हो चुका है जीत। 27 सीटों के लिए हुआ है मतदान। और मिशन शक्ति अभियान के तहत राजघाट थाने पहुंचे आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राएं। छात्राओं को थाने में घुमाकर बताया गया महिला अपराधों में किस तरह कार्रवाई करती है पुलिस। एसएसपी ने वुमेन हेल्पलाइन नंबर व डायल 112 के बारे में दी जानकारी।